अस्सलाम वालेकुम। टिकटॉक के ऊपर आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अपने अकाउंट को आप लोगों ने मोनेटाइज करवा लिया, 10,000 फॉलोअर्स पूरे किए, 1 लाख व्यूज कंप्लीट करके अकाउंट मोनेटाइज हो चुका है। टिकटॉक के ऊपर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। अब टिकटॉक के ऊपर अर्निंग स्टार्ट हो गई है, विड्रॉ लेने से पहले आपको टिकटॉक के ऊपर अपनी जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो कन्फर्म करवानी पड़ेगी। जब तक आप लोग अपने टिकटॉक अकाउंट की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे, आपके टिकटॉक अकाउंट के मोनेटाइज होने का फायदा कोई नहीं है। जब तक आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होगी, आपको अर्निंग रिसीव नहीं होगी, विड्रॉ आप लोग नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पर मेरा एक फ्रेश अकाउंट टिकटॉक के ऊपर मोनेटाइज हुआ है, आप लोगों के सामने है। इसके ऊपर मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, वेरीफाइड आइडेंटिटी सेटअप पेमेंट मेथड। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कैसे मैं अपने टिकटॉक अकाउंट की विद इन फ्यू मिनट्स अकाउंट जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो करवाता हूँ। आप लोग भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं लेकिन वो 7 दिन पेंडिंग पे जा रही है या उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, अगर वो सारी प्रॉब्लम्स भी आप लोग फेस कर रहे हैं तो जैसे जैसे मैं करूँगा अकाउंट की वेरिफिकेशन आप लोग भी करेंगे, इंशाल्लाह आपके पास भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो मेरी इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। अब यहाँ पर आप लोग नीचे देख लें, नीचे मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, 2-3 वीडियोज़ अपलोड किए लेकिन वो भी फिलहाल क्वालिफाइड नहीं हुई। तो ये मेरा अकाउंट आप लोगों के सामने फ्रेश लिया। अब इसके ऊपर 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं, सेव जर्नी, व्हाट्स न्यू, ये आप लोग छोड़ दें, सिंपली वेरीफाई आइडेंटिटी इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। अब जैसे जैसे मैं करके बता रहा हूँ सेम एज इट इज़ आप लोग भी करेंगे, विद इन फ्यू मिनट्स आपके टिकटॉक अकाउंट की वेरिफिकेशन हो जाएगी। इशूइंग कंट्री आर रीजन, आपके पास जिस भी कंट्री का डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों ने कंट्री सेलेक्ट करनी है। मेरे पास पाकिस्तानी जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, मैं सिंपली पाकिस्तानी यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। तो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर आपको आईडी कार्ड तो हर बंदे के पास होगा, आपके अम्मी अबू बहन भाई किसी का भी आईडी कार्ड होगा वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और है, जब आप लोग अपना टिकटॉक का यूके यूएसए वाला अकाउंट क्रिएट करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो एज है वही एज सेलेक्ट करें, आईडी कार्ड के ऊपर भी होनी चाहिए। तो इसमें मैंने अपने अभी तक जितने भी अकाउंट मोनेटाइज करवाए हैं, मैंने एज डेट ऑफ बर्थ कुछ और थी, आईडी कार्ड के ऊपर कुछ और थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे अकाउंट मोनेटाइज हुए हैं और उनकी अर्निंग भी रिसीव हुई है। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर आपके टिकटॉक अकाउंट की डेट ऑफ बर्थ गलत थी या आपने कुछ और टाइप कर दी तब भी कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर अपनी जो आईडी कार्ड अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी डेट ऑफ बर्थ को सही कर देगा और वो इतना बड़ा इशू भी नहीं बनेगा। हाँ, कभी कभार आपका डॉक्यूमेंट जब अप्रूव ना हो तब वो आपको ये इशूज़ कर देता है, लेकिन वो बात का सीन है। अभी आप लोग डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो आपसे एक परमिशन मांगेगा, वो परमिशन अलाउ करेंगे। हो सकता है कि रिकॉर्डिंग के दौरान ये स्क्रीन ब्लैक हो जाए तो माजरत, लेकिन आप लोगों ने मेरी वर्डिंग के ऊपर फोकस करना है, जो वर्डिंग मैं बोलूंगा उसी के ऊपर फोकस करते हुए आप लोगों ने भी अप्लाई करना है। आप लोगों ने यहाँ पर ये चेक करना है, चेक करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखने प्लेस द फ्रंट ऑफ आईडी विद द फ्रेम। अगर आप लोगों के पास पिक्चर है तो पिक्चर का यूज़ करेंगे, सिंपली ये गैलरी का ऑप्शन आ रहा है नीचे, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करने के बाद जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अपने मोबाइल के अंदर गैलरी के अंदर सेव करके रखा होगा वो आप लोग डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पर ये देख लें, ये एक आईडी कार्ड की जो फोटो है वो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है और उसे सिंपली कन्फर्म करता हूँ। कन्फर्म करने के बाद अपलोड योर आईडी कार्ड, यहाँ पर जो बैक साइड मुझसे मांग रहे हैं बैक साइड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मैंने अपनी जो आईडी कार्ड की बैक साइड है वो यहाँ पर अप्लाई कर दी। कन्फर्म एंड अपलोड, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये आप लोगों के सामने चीज़ क्लियर होगी कि मेरा जो अकाउंट है इसकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और थी, आईडी कार्ड के ऊपर कुछ और डेट ऑफ बर्थ था, इसके जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो कन्फर्म होगी या नहीं, और मैंने ये पिक्चर्स गैलरी से अपलोड की हैं। आप लोगों के सामने सारा प्रोसेस हो रहा है, कोई भी इसके अंदर एडिटिंग शामिल नहीं होगी। चेकिंग योर आईडी, स्टे ऑन द स्क्रीन, दिस मे टेक अ फ्यू सेकंड्स। यहाँ पर देख लें, आईडी अपलोड, सबमिट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अंडर व्यू में आया, 3 दिन का वेट करना कह रहे हैं, गेट नोटिफाइड कह रहे हैं, लेकिन ये आपको 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा कि आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो कन्फर्म हुई है या नहीं। अभी हम लोग यहाँ पर दोबारा से नोटिफिकेशन में चलते हैं। नोटिफिकेशन में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं कि यू सबमिटेड वेरिफिकेशन। तो अभी सिंपली ये जो वेरिफिकेशन है ये अभी प्रोसेसिंग के अंदर है, तो तब तक मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे टिकटॉक अकाउंट की वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी वहाँ से मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। तो फाइनली 10 मिनट वेट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। या अब मैंने यहाँ पर जैसे रिफ्रेश किया, देख लें आइडेंटिटी कन्फर्म्ड। अभी हम लोगों ने अप्लाई किया था 11 मिनट पहले, 11 मिनट पहले हम लोगों ने अप्लाई किया था और 1 मिनट पहले मुझे नोटिफिकेशन रिसीव हो गया, आइडेंटिटी कन्फर्म्ड और यू आर वेरीफाइड योर आइडेंटिटी फॉर क्रेडिट वार्ड प्रोग्राम। अगर मैं आइडेंटिटी कन्फर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखेंगे
मेरे जो टिकटॉक अकाउंट की रिलेटिव वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो आईडी कार्ड का नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, सारी चीजें हैं वो यहाँ पर मुझे शो करवाई जा रही हैं। तो इस तरह से आप लोग अपने टिकटॉक अकाउंट की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आया आप लोगों ने अपने डेट ऑफ बर्थ गलत रखी है, सही रखी है, जस्ट एक सीएनएसी लगेगा, किसी भाई का भी उठा लें, लेकिन कोशिश करें एक टिकटॉक अकाउंट के ऊपर एक ही सीएनएसी यूज करें। अगर आप लोग मल्टीपल सीएनएसी यूज करेंगे तो आपको इश्यूज आएंगे। अब हम लोग यहाँ पर टिकटॉक स्टूडियो में चलते हैं। टिकटॉक स्टूडियो में जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ, यहाँ पर देखें क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम। अब जैसे मैं क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करूंगा, थोड़ी देर लोडिंग होगी, लोडिंग होने के बाद आप लोगों के सामने नजर आएगा, यहाँ पर देख लें पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ रहा है। अब सिंपली इसके अंदर मैंने अपना जो पेपाल का अकाउंट है, पेपाल का अकाउंट अटैच करना है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर मैंने अपनी जो टैक्स आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो कन्फर्म करवानी है। यूएसए अकाउंट के ऊपर टैक्स आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे कन्फर्म कर सकते हैं वो वीडियो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कैसे करेंगे तो कमेंट करके बताएं। आपका भाई आपको मेथड भी फ्री में देगा और आपको वीडियो भी अपलोड कर देगा जिसके जरिए आप लोग अपने अकाउंट की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कन्फर्म करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।